जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास आए हैं हुंडा लिवो बाइक। इस बाइक में क्या हुआ गाइस, जब ही क्लच प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद ये वापस छोड़ने का, लेकिन छोड़ने के बाद ये क्या होता है कि वापस केबिल जाता नहीं है। अब किसका वजह से नहीं जाता है गाइस, कि ये छोटा सा गलती का वजह से आपका क्लच प्लेट ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं चलेगा। आपको ये ज़रूर ध्यान करके देख लेने का। अब आपको दिखाने वाला हूँ इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है गाइस। ये जो स्प्रिंग है ये इधर से टूट गया है, देख सकते हैं। अब ये टूटने की वजह से ये केबिल है गाइस, ये क्लच दबाने से ये ऊपर का ओर जाता है और छोड़ने का बदले ये ऑटोमेटिक नीचे आना मांगता है। अब आपको बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से लगाया जाता है। 8mm सारा बोल्ट खोलने के बाद आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे। जैसे कि देख सकते हैं 8mm हमने सारा बोल्ट को खोल दिए है। आप देख सकते हैं गाइस इसके अंदर एक बूस होता है कुछ इस प्रकार से, ये निकाल लेने का। अब आपको ये खोल करके दिखाने वाला हूँ, ये देखो ये इजीली बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। अब आपको ये स्प्रिंग को कुछ ऐसे निकाल लेने का, देख सकते हैं हमने निकाल दिया है। अब आपको ये नया वाला स्प्रिंग है इसी को लगाने वाला हूँ, ऐसे इसको निकाल लेने का और नया वाला को ऐसे लगा देने का। ये देखो ये बैठ चुका है। अब आपको ये लगा के दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं हमने इसको, देखो गाइस कुछ इस तरफ से इसको लगा देने का। ये देखो ये बैठ चुका है। अब ये उसको लगाने वाला हूँ, ये देखो बराबर काम कर रहे हैं, देख सकते हैं ये देखो। अब आपको फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। जैसे देख सकते हैं हमने 8mm सारा बोल्ट को कस लिया है। अब आपको दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं ये स्प्रिंग को हमने लगा दिया और ये देखो क्लच बराबर केबिल काम कर रहे है, इट आर नॉट प्रॉब्लम। क्योंकि गाइस देख सकते हैं हमने किस प्रकार से स्प्रिंग को लगा दिया। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में नया है सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।